Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. नहीं नहीं, सभी दिशाओं में गणेश ही गणेश, ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि मैं ही भगवान हूँ और ये प्रमाणित करने तुमने ही तो कहा था। ये कैसा भ्रम है, कैसी माया है, क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ त्रिलोकनाथ, आपने अपनी साधना क्यों भंग कर दी? छल मत करो मेरे साथ गणेश, कुकु गणेश नहीं, मैं माया सुर हूं। ये आप क्या कर रहे थे त्रिलोकनाथ? मैं माया सुर। त्रिलोकनाथ, मेरी माया को भेद कर यहाँ कोई नहीं आ सकता। मुझे ज्ञात है वो भीतर है, खोलो द्वार, खोलो। सिंधु, अब तो मेरा परिचय प्राप्त हो गया तुम्हें। ओ, तो नारायण ने तुम्हें भीतर आने दिया, मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उल्लंघन तो तुम कर रहे हो सिंधु, धर्म का, मर्यादा का, जिसे रोकने का समय अब आ गया है। मेरे दर्शन होने के पश्चात सत्य का ज्ञान हुआ तुम्हें, या तुम अब भी मानते हो कि तुम ही भगवान हो? हाँ हाँ, मैं ही एकमात्र भगवान हूँ जिसके भीतर सूर्य का तेज हो, जो अपार वरदानी शक्तियों का स्वामी हो, जिसके पास वो हो जो उसे अमर बना सके, जिसके पास भक्त हो जिसकी पूजा हो, वो भगवान नहीं तो और कौन है? नहीं सिंधु, ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें अभी भी सत्य का ज्ञान नहीं। अपना स्वयं का क्या है तुम्हारे पास? तेज सूर्य देव ने दिया है तुम्हें, जीवन समुद्र देव ने, और तुम्हारी सुरक्षा भी वरदान के कारण है, और शक्तियाँ, भक्तों की भक्ति, वो भूल है तुम्हारी, क्योंकि भक्ति भय से नहीं सच्ची श्रद्धा से की जाती है। सब भय से तुम्हें पूछते हैं और भय का अंत तो निश्चित है, किंतु सच्ची श्रद्धा और विश्वास का नहीं। और जहाँ ना सच्ची श्रद्धा हो ना ही विश्वास, वहाँ कौन भगवान, कैसा भगवान? भगवान यानी शक्ति, तो आओ युद्ध करो, अभी ज्ञात हो जाएगा कौन भगवान है और कौन नहीं। अरे लखन भैया, मैं पिता बनने वाला हूँ भैया, पिता बनने वाला हूँ मैं पिता बनने वाला हूँ लखन भाई, पिता बनने वाला हूँ मैं। ये लो, सबको खुश करेगा, सबका मुंह मीठा करेगा, ये लो गुड लक, लो अजी भर के लो, लो लो तुम भी लो, लो ये चावल। अरे संभल कर कल्याण भैया, संभल कर। अरे अपने आनंद को इतना मत बढ़ाओ कि पूरी दुकान ही लुट जाए। अरे लुटेगी नहीं, आने वाले संतान के भाग्य से और भी धन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। संतान प्राप्ति का आनंद कुछ ऐसा था कि वो कल्याण जो अधिकता में विश्वास नहीं रखता था, अब सबको दोनों हाथों से सब कुछ बांट रहा था। वो बड़ी ही समझदारी का परिचय दे रहा था। समझदार होने का अहंकार कभी कभी जीवन का विकार बन जाता है देवी।
कभी कभी व्यक्ति बड़ी भूल कर बैठता है और ऐसी ही भूल कल्याण भी करने वाला था। अरे कल्याण भैया, तुम्हारा झपकी लेने का समय हो गया। भैया इससे पहले कि तुम्हारी आंख लगे मुझे मेरा सामान दे दो। अभी नहीं बोला दास, अब सूर्यदेव भी सर पर आ गए हैं, निद्रा का समय हो गया है। और तुम तो जानते हो भोला दास, अनुशासन मेरा सबसे बड़ा गुण है, तो थोड़ी समय बाद अब। अरे अरे कल्याण भैया, उचित है किंतु अनुशासन कहीं बढ़कर शासन ना बन जाए। तुम्हारी संतान ये बात समझ पाएगी या नहीं ये तो भविष्य ही बताएगा। अरे मेरा पुत्र अनुशासन भी मानेगा और मेरा शासन भी, मुझसे भी अधिक सफल होगा वो। कल्याण भैया वाह, कितना गुणी है तुम्हारा पुत्र। वो आया तो जैसे तुम्हारा तो भाग्योदय ही हो गया। कितना होनहार और कितना अनुशासित है वो। हाँ भाई, ऐसा व्यापारी तो हमने कभी देखा ही नहीं। इतने कम आयु में 108 स्थानों पर उसने अपना व्यापार बढ़ा लिया। इतना यशस्वी पुत्र पाकर तो आप धन्य हो गए कल्याण भाई। आपके पुत्र की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है कल्याण भैया। जैसा पिता वैसा ही पुत्र, व्यापारी भी, अनुशासित भी और धनवान भी। वाह कल्याण भैया वाह। मित्र कल्याण, ये तुम्हारी ही शिक्षा है जिसके कारण चारों दिशाओं में तुम्हारे पुत्र के चर्चे हो रहे हैं। भाई वाह, बधाई हो मित्र, बधाई हो। ऐसा यशस्वी पुत्र पाकर तो आप धन्य हो गए कल्याण भैया। बधाई हो, बधाई हो। कितना सुंदर स्वप्न था, इसे सत्य भी बनाऊंगा। अरे कल्याण भैया, तुम्हारी झपकी पूरी हो गई हो तो मेरा सामान दे दो भैया। अरे हाँ हाँ। हाँ हाँ ले लो भोला दास, आओ आओ। आता हूँ भैया आता हूँ। लाओ अब हमारा सामान हमें दे दो। क्या हुआ, इतने आनंदित क्यों हो भाई? अरे क्यों ना हो आनंदित, मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा व्यापारी बनेगा और मैं सुख और समृद्धि में विश्राम ही विश्राम करूंगा। स्वामी, पेड़ के लगते ही फल की इच्छा करना क्या उचित है? उचित और अनुचित का भेद करना तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई भी कार्य समय आने पर ही शोभा देता है और कल्याण अभी से ही अपने पुत्र को शिक्षा देने और व्यापार सिखाने की तैयारी में जुट गया था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।